हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2020 एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो ये आपका जो पेपर है आपका 2020 का लास्ट ईयर का, और अगर आप एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि इस ईयर 2021 की, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये पेपर। तो अभी तक यहाँ पे जितने भी शिफ्ट हुए थे 2020 के, तीनों शिफ्ट के जितने भी पेपर हुए हैं, क्योंकि ये आपका 10 से 15 दिन एग्जामिनेशन लगभग चला है, वो भी तीन तीन शिफ्ट में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो सारा पेपर अपलोड किया जा चुका है 10 तारीख तक का। 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 27 नवंबर से, और ये चला था आपका 16 दिसंबर तक। तो 27 नवंबर से लेकर आपका 10 दिसंबर तक के अपलोड किए जा चुके हैं। 11 दिसंबर का ये आज का पेपर है, 11 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का। तो इस वीडियो में आपको 11 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का पेपर देखने को मिल जाएगा। सो आपको ये हेल्पफुल रहेगा अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो आगे का जो पेपर बचेगा आपका 12 को तो नहीं हुआ था, 14, 15 और 16 दिसंबर के जो पेपर, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे कुछ दिन में अभी। तो अगर आप चेक कर रहे हैं तो पूरा वीडियो उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सो मैं पहले बता दूँ कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताने वाला, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, स्क्रॉल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर सॉल्व करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। सो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन वन से। आपका फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर 9 बजे 10:30 बजे वाला पेपर, 11 तारीख का। सेक्शन वन यानी कि पार्ट ए आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई यूनिट है? तो दीप्त तीव्रता। नेक्स्ट यहाँ पे वित्त विधेयक के प्रस्तुत करने के कितने दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो 75 दिन के भीतर। नेक्स्ट पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? तो केरल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरि कृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? 1661 में। अगस्त 2020 में निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट्स ऑडवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारम्भ किया? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किसने विश्वेश भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है? तो निरुपमा यादव ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। विश्व परिषद संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सरोद। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? अकबर। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। ICC के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत है जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं? तो 12। डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? 31 दिसंबर 1929 को। बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है, 75 दिनों की अवधि में। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो 1897 में। अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? तो प्रणब मुखर्जी की। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त वंश के। अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? 11। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया था? तो 1693 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? 1864 में।
सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कैमरन व्हाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट में सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो ऑस्ट्रेलिया। कैमरन व्हाइट। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? 1673 में। मिट्टी के पीएच को डैश मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? चूना पत्थर। अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने? श्रीलंका। सत्रिया। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नटिका प्रदर्शन कला है? तो असम की। जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के संघीय प्रणाली की नींव रखी? भारत सरकार अधिनियम 1935। डैश नीति आर्थिक परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है? तो मौद्रिक नीति। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमेशा सूर्योदय से लगभग डैश मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? बुट्टू केशवर दत्त के साथ। कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हथिनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यमुना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? 1966 में। केंद्रीय बजट 2020 से 2021 ने कॉरपोरेट बॉन्ड में FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सीमा को 9% से बढ़ाकर 10% कर दिया है, तो 15% कर दिया है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों के निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? 1994 में। 1994। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? HDFC बैंक। वैसाख पोया त्यौहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। MRI स्कैन शरीर में अंगों और उत्कों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? 18 जुलाई 2008। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक। बाजार स्थिरीकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है, डैश को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? 2004 में लागू किया गया था। सो यहाँ हमारा GK क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट शिफ्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का, तो कुछ देर के लिए मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन रोकूंगा, देन मूव फॉरवर्ड कर दूंगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सो यहाँ से हमारा रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमारा नेक्स्ट सेक्शन पार्ट सी यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो जाता है। मैथमेटिक्स से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 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 सो हमारे यहाँ से न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमारा लास्ट सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इस शिफ्ट का स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से एमएस वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पेन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा। तो क्लिपबोर्ड में आपको ओके नहीं दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। तो यह फॉर्मूला है एवरेज ए 5.4.4 इज ग्रेटर देन 3.6 तो इसका आपका होगा 4। नेक्स्ट आपका एमएस वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो व्यू का। आप लिखित टेक्स्ट और कागज को कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। मार्जिन। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। ईमेल आईडी। एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों यानी कि रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो रो आपका 1,048,576 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स को उनके विवरणों के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे आपका होगा 1C, 2B, 3A। नेक्स्ट यहाँ पे एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट्स को उनके संबंधित कार्य के साथ मिलान करें। सो आपका यहाँ पे A का Z, B का X, C का Y। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे जब आप एमएस एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं
और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो सीट टैब दिखाई नहीं देता है। इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के नाम से जाना जाता है, वेब पेज। सो हमारा इस शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है टोटल क्वेश्चंस। हमारा नेक्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट शिफ्ट यानी 12:30 से 2 बजे वाला शिफ्ट 11 तारीख का ही यहाँ पे आ चुका है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो 1921 से 1951 भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तराधार में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह गठित हुआ था, पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्पों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित करें, रोहित शर्मा। 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया? सोमा राय बर्मन। 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? तमिलनाडु। बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद GDP का निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल GDP। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है? महिंद्रा राजपक्षे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आवर्त। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है? काली कपासी मृदा को। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रसिद्ध धामेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? शास्त्रीय गायन से। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों के परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को मान्य किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 2020 के मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? संपत्ति निर्माण। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? 4 जनवरी। सो इसका आंसर होगा आपका January 1965। December 2019 में निम्नलिखित में से किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक का CEO नियुक्त किया गया? सुंदर पिचाई। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से? दक्षिण भारत। द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। प्रसिद्ध हॉर्निबल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा। पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल में वर्ग में प्रदान किया जाता है? क्रिकेट। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक NABARD का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? मुंबई। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वस्तु एवं सेवा कर GST। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? असम। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 2003 में। हाल ही में मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्रों के एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया, वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नंद किशोर। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द करंट गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। पीली क्रांति के संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो तिलहन उत्पादन।
2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? के शिवा रेड्डी ने। GST वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से किसने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मानव में रक्तचाप मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? गुवाहाटी असम। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? लद्दाख। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित था? भारतीय शिक्षा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? पटेला। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोबालमिन। मानव अमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति 21 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई? चुनाव आयुक्त। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? केरल। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? अटलांटिक ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फेमस पोर्ट टाउन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा? सो आंसर होगा आपका इसका लोथल। सो यहाँ से हमारा नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग का पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट सो यहाँ से हमारा नेक्स्ट सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स का स्टार्ट हुआ था। तो सेक्शन सी हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 सो ये हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 में एक मान्य फार्मूला नहीं है? तो सम ऐड आपका नहीं है फार्मूला। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो डायल अप। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस को किससे मिलाकर बना होता है? तो सेल के कॉलम और रो से। एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस के का। ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर डैश था, गूगल क्रोम। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फॉन्ट कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द कॉलम विथ ऑफ अ टेबल इन एमएस वर्ड? रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? पेपर क्लिप आइकन। एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? होम का। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, डैश एमएस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है, प्रेजेंटेशन। सो हमारे यहाँ से नेक्स्ट आपका जो लास्ट शिफ्ट बच गया है 4 बजे से 5:30 बजे वाला, ये शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है 11 तारीख का। तो हमारा लास्ट शिफ्ट है इस वीडियो का। सो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थेनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में डैश समाज जातियों में विभाजित था? तो 7 जातियों में विभाजित था। नेक्स्ट यहाँ पे 2020 में सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी लिन डैन एक पेशेवर डैश थे? तो बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दलाई लामा के द्वारा। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? महाभारत। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1911 में। 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे जायर बोल्सोनारो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति है? ब्राजील। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था? संबलपुर विद्रोह। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एज अ फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 23। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकैले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निष्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? शिक्षा नीति। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? भूटान से।
सीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है? कृष्णा नदी की। पी हरिकृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? शतरंज। नदियों को जोड़ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है? बेतवा नदी से। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला आयोजन किया जाता है? तो डूंगरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के सक्षम बनाता है? एड्रेनलिन। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो आंध्र प्रदेश तक नहीं फैला हुआ, ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष था? जे बी कृपलानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर? ब्लू ग्रीन एल्जाई। द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ गैसेज अक्रॉस सेल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल श्रेणी में उप विजेता निम्नलिखित में से कौन बनी? गार्बिने मुगुरुजा। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? फारस देश से। हेल्पुनिया नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? झारखंड। दिवासो नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? तो बाइल। एज पर द यूनियन बजट 2020 से 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिसीप्ट्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021? डायरेक्ट टैक्सेस। सरबपुरी और सोमवंशी नामक राजवंशों ने डैश में शासन किया? तो छत्तीसगढ़ में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना का प्रस्तावित किया गया है? भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान। वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों MLA के मतों का मूल्य तीसरा सर्वोच्च मूल्य था? महाराष्ट्र। रावी कोंडला राव जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, उन्हें डैश सिनेमा के में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तेलुगु सिनेमा में। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा। औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र औरंगाबाद। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? तो गड़जात पहाड़ियों में। इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 व्हाट इज़ द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ इनकम टैक्स? तो आपका 4%। दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से किस कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो कृषि ऋण का लक्ष्य ₹15,00,000 करोड़ रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी के लिए आर्थिक विकास नामक विषय वस्तु का एक घटक नहीं था जैसा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्दिष्ट किया गया था? तो सबका आवास। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मन के कारण से संसद को अवगत कराएंगे? तो अनुच्छेद 87(1) में। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल डैश वर्ष निर्धारित किया? तो 5 वर्ष। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो सुरकोटडा। केंद्रीय बजट 2020-21 में विवाद से विश्वास योजना निम्नलिखित में से किसे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निर्दिष्ट की गई? तो प्रत्यक्ष कर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 12। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? सन्यासी विद्रोह। चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। गाथा गायन का एक स्वरूप
दस काठिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो ओडिशा में। दसवीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 ए डिवीजन खिताब डैश की टीम ने जीता? तो हरियाणा की टीम ने। ध्रुवास्त्र जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण जुलाई 2020 में किया गया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक डैश है, तो एक मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे गिनीज विश्व रिकॉर्ड द्वारा सबसे तेज मानक संगणक के रूप में सम्मानित किया गया, जिन्होंने 4 दशक पूर्व यह उपलब्धि प्राप्त की थी? तो शकुंतला देवी को। बेहतर विपणन और उत्पादों के निर्यात हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में एक उत्पाद एक जिला योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए घोषित की गई? तो बागवानी क्षेत्र के लिए। सो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है। तो रीजनिंग यानी कि पार्ट बी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 सो हमारे यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सो हमारा यहाँ लास्ट सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सो इस शिफ्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट सेक्शन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सेलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्द का सुझाव देता है? तो आपका थेसॉर्स। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एमएस एक्सेल 2007 इज यूज टू क्विकली फॉर्मेट अ रेंज ऑफ सेल्स एंड कन्वर्ट इट टू टेबल बाय चूजिंग अ प्रीडिफाइंड टेबल स्टाइल? तो आपका फॉर्मेट एज टेबल होगा आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो 63 कॉलम। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से किसे क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो OCC ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, यहाँ पे एमएस एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका एरो की। इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं? यदि सभी तर्क गलत होते हैं तो यह परिणाम को फॉल्स के रूप में लौटाता है। तो और फंक्शन और का यूज होता है। द शॉर्टकट की Ctrl+V इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इन एमएस वर्ड? तो आपका आंसर होगा टू पेस्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का और इस वीडियो का, एमएस वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो आपका आंसर होगा क्लियर फॉर्मेटिंग। सो हमारे यहाँ पे 11 दिसंबर के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करा दिए गए, बचे हुए आपके 14, 15 और 16 दिसंबर के शिफ्ट के क्वेश्चन वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने पहले के नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे बेनिफिट ही होगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।